राजस्थान में एक बार फिर से तेज बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बात करें करौली की, जयपुर की, या अलवर की बात करें, या ऐसे कई जिलों की बात करें, तो रविवार सुबह से बारिश हो रही है। करौली में तेज बरसात का कारण जो है उससे काफी नुकसान हुआ है, और उस तेज बरसात के कारण ही एक जो मकान है वो ढह गया। साथ ही आपको बता दें, हादसे में उस मकान के ढहने से पिता और पुत्र की मौत हो गई है, जबकि परिवार के तीन लोग जो हैं अभी तक मलबे में फंसे हुए हैं। जी हाँ, सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें, जिले में कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, और वहीं यहाँ करीबन 20 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इससे पहले शनिवार को करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, तो वहीं देर शाम पश्चिम में जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी के आसपास तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बात करें, उनके मुताबिक बात करें, तो आज दो जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, वहीं 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच बात करें मौसम केंद्र के अनुसार, सावन के आखिरी सप्ताह में भी तेज बारिश की संभावना है। मौसम पर ज्यादा जानकारी के लिए करौली से नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ प्रदीप गोयल अलवर से जुड़ चुके हैं। अलवर से प्रदीप गोयल हमारे साथ हैं, और हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले राजेश टैन के पास आना चाहूंगी, जो कि संवाददाता हमारे टोंक से हमारे साथ है, और प्रदीप गोयल संवाददाता अलवर से हमारे साथ है। प्रदीप, आपके पास आना चाहूंगी। अगर अलवर की मैं बात करूं, तो वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें एक पिता और एक पुत्र की मौत हो गई है, और जो तीन लोग हैं वो अभी भी मलबे में फंसे। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रदीप, क्या ये एक ही परिवार के हैं, क्या कुछ पूरा मामला है बताइए हमें। जी मैडम, मैं आपको बताऊं, ये एक ही परिवार के तीनों लोग हैं, और ये जब जा रहे थे तो मलबे के अंदर डूब के बह गए थे, इसी कारण इनकी मौत हो चुकी थी। मौत हो चुकी थी। साथ में राजेश टैन हमारे साथ संवाददाता टोंक से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि टोंक की अगर मैं बात करूं, तो बारिश जो है देखा जा रहा है विजुअल्स में कि घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। राजेश, क्या कहना चाहेंगे आप, वहां पे किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम, क्या हालात बने हुए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी राजेश। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मैडम, टोंक जिले में लगातार कल से जो है बारिश का जो दौर है, लगातार काफी तेज बारिश है, काफी इलाकों में पानी भर गया है। और बात करें बिसलपुर की, तो बिसलपुर बांध का जो जलस्तर है 312.11 RL अभी तक पहुंच चुका है। और आज बात करें बारिश की, तो अब तक 122 mm जो है वो पूरे टोंक में वो दर्ज की गई है। जी, जिस तरीके से प्रदीप और राजेश हम विजुअल्स देख पा रहे हैं जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं, मैं प्रदीप आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जानना चाहूंगी, जिस परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है और वहां पे तीन लोग जो मलबे में अभी भी जो बताए जा रहे हैं वो दबे हुए हैं, तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या उनको निकाल लिया गया है? प्रदीप आपसे जानना चाहूंगी, उनको मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, क्या उनकी तरह कुछ और लोग भी वहां पे फंसे हुए हैं, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं उनके लिए, जानना चाहूंगी, काफी गंभीर मामला है। जी रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, इस जमाना के अंदर हो सकता है आने देखने पर ये मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर और कितनी लोग दबे हुए, ये तो आने वाले समय में बता पाएगा। प्रशासन इस बारे में अभी कुछ कहने में असमर्थ है। जी, मैं राजेश के पास आना चाहूंगी। राजेश, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो बांध का पानी है, इसका जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है, काफी तेज बहाव देखने को, और जिस तरीके से मैं विजुअल में देख पा रही हूँ, हैरान करने वाला विजुअल जो सामने आया है, सड़क पर इस कदर पानी भरा है कि दुकान के आधे आधे पोर्शन तक जो है पानी भर गया है, दुकानें डूब चुकी हैं, आप देख सकते हैं विजुअल में। हमारी जनता को बताना चाहूंगी कि लोग आधे डूब चुके हैं, घरों के अंदर पानी चला गया है, तो इस तरीके से ये जो हालात बने हुए हैं, किसी तरीके की सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए, कैसी मदद मिल रही है वहां की आम जनता को? राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, मैं बताना चाहूंगा, टोंक जिले का पीपलू में ये मासी बांध है जिसका 5 गेट खोलकर पानी की निकासी अभी की जा रही है। जी जी राजेश, आगे बात करें। हेलो जी राजेश, जारी रखिए। रही बात बारिश की, तो कल की सबसे ज्यादा बारिश जो थी निवाई में दर्ज की गई है। और टोंक की बात करें, तो टोंक के अंदर
कल जो है नीचे की जो निचला इलाके हैं उनमें काफी पानी भर गया था, लेकिन वहां पर कई अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने वहां के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करके वहां पानी की निकासी की वहां पर कुछ व्यवस्था की गई कल। जी प्रदीप, आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें अलवर की बात करें, तो जिस तरीके से निचले स्तर निचले इलाकों में पानी भर जाता है, तो वहां पर उनको क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं? किसी तरीके की राहत मिल रही है लोगों को? जी मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि रात देर रात से लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है, और अब सुबह के 1 बजे तक निरंतर बारिश का दौर चालू था। मानसून की पहली ऐसी बारिश हुई थी जिसके कारण जल भराव हो गया था, और उसके निकालने के प्रयास निरंतर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, और वहां जाने के लिए लोगों को मदद की जा रही है जहां पर जल भराव हो रहा है। प्रदीप, आप ही से जानना चाहूंगी कि ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर आम जगहों पर किस तरीके की गई है, क्योंकि काफी बड़ा शहर है अलवर की अगर हम बात करें तो, अलवर में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से देखी जा रही है? लोग जैसे आम तौर पे अगर हम बात करें, बारिश के कारण अब घर में तो दुपक के नहीं रह सकते हैं, लोगों को नौकरी पर भी जाना है, बच्चों को स्कूल में भी जाना है, तो क्या बच्चों की छुट्टियां करी गई हैं वहां पर? कोई गाइडलाइंस वहां के लिए नई तैयार हुई है? आपसे जानना चाहूंगी लोग कैसे अपना रोजमर्रे का जो कामकाज है कैसे कर रहा है और क्या प्रभावित हो रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज संडे है, इसकी वजह से स्कूलों की तो छुट्टी ऑलरेडी पहले से ही है, जिसकी वजह से बच्चे तो घरों में ही रहना उचित समझ रहे हैं, और बड़े लोग जो अपने ऑफिस जाने के लिए, उन लोग की भी ऑफिस आज संडे की वजह से छुट्टी है, लेकिन मौसम अच्छा होने के कारण वह पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर झरने बह रहे हैं वहां पर जा रहे हैं और उस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम का लुत्फ प्रशासन वहां पर प्रशासन की तरफ से वहां पर जगह जगह पुलिस का पूरा पहरा दिए हुए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। ठीक है, मैं राजेश के पास आना चाहूंगी। राजेश, जिस तरीके से विजुअल्स में देख पा रही हूँ, अलवर से भी भेजे गए हैं प्रदीप जी द्वारा और आपके द्वारा भी राजेश भेजे गए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि जिस एरिया में इस तरीके से पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पहुंच गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है बिजली तो वहां पे काटी दी गई होगी सुरक्षा के लिहाज से। अगर हम बात करें तो घर में इतना पानी भर चुका है राजेश की, खाना पीना मतलब एक होता है ना दिनचर्या तो बिल्कुल बिगड़ गई, अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो इनको प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से कुछ कुछ राहत के लिए मिल रहा है? इनकी खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है? क्या कुछ इनको कहीं नई दूसरी जगह पे इनको ले जाया जा रहा है? रहने की व्यवस्था किस तरीके से की गई, जानना चाहूंगी राजेश टॉक में। बिल्कुल, जिला कलेक्टर जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है। जिले में लगातार अति भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जो जिले के जो सारे अधिकारी हैं उनको आमजन की सुरक्षा के लिए एक्टिव होकर कार्य करें, इनके लिए निर्देश दिया है। और बात करें टोंक जिले में लगभग 30 बांध है, जिसके अंदर 21 से 22 बांध तो केवल फुल हो चुके हैं, बाकी बांधों में जो है मतलब चादर चल रही है। बात करें टोंक जिले का सिंचाई बांध है गलवा बांध, जो कि उनियारा में स्थित है, वो भी फुल भर चुका है, और फुल भरने के बाद उस पे भी लगभग 2 से 3 इंच की चादर अभी चल रही है। जी प्रदीप गोयल हमारे साथ अलवर से थे, और इसी बीच राजेश शैन टॉक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए थे। प्रदीप गोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही राजेश शैन आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरी खबर पर, जानकारी हमारे साथ आपने साझा की, अपने अपने शहरों की जो जानकारी आपने साझा की, और हम आप दोनों से चाहेंगे कि इस खबर पर जो भी जिस तरीके का अपडेट हो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ